अनुराग गुस्से के साथ फिर अघोरी से पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, मुझे जवाब दे। ऐसा क्या है तेरी उस हवेली में कि मैं उसके अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ? अघोरी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, काल स्वामी, उस हवेली के चारों तरफ वो है जो यक्षिणी की तो ताकत है पर आपकी कमजोरी है। जैसे ही अघोरी ये बात बोलता है, अनुराग का गुस्सा कुछ कम हो जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं और उसकी आंखों में हल्का सा डर दिखाई देने लग जाता है। अघोरी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, आपको तो पता ही है काल स्वामी, इस संसार में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो यक्षिणी का दीवाना ना हो। मैं भी बाकी के मर्दों की तरह ही यक्षिणी को बहुत पसंद करता था। एक वक्त था जब मैं भी उसके हुस्न का दीवाना था, उसे पाना चाहता था। उसे पाना तो छोड़िए, मैं उसके साथ। इतना कहकर अघोरी खुद चुप हो जाता है, जैसे उसे आभास हो गया हो कि वो कुछ ऐसा बोलने वाला था जो अनुराग को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बात सुनकर अनुराग अघोरी का वो हश्र कर सकता था जो अघोरी सोच भी नहीं सकता था, इसलिए अघोरी खुद ही चुप हो गया था। अघोरी तुरंत बात को पलटते हुए कहता है, यक्षिणी के लिए तो मैंने वो हवेली बनाई थी ताकि वो उस हवेली में दौड़ी चले आए। उस हवेली की दीवारों के चारों तरफ वो लगाया जो यक्षिणी को पसंद था, जिससे उसे ताकत मिलती थी, पर यक्षिणी फिर भी वहां पर नहीं आई। जैसे उसे पता था कि वो एक जाल था, इसलिए फिर मुझे खुद उसकी मूर्ति बनानी पड़ी और एक नया जाल बिछाना पड़ा, उसका ताज उससे छीनना पड़ा। पर वो यक्षिणी बड़ी चालाक थी, वो मेरे हाथों से बच गई, उल्टा उसने ही मुझे नर कुत्ता बना दिया। अनुराग और ज्यादा गुस्से के साथ अघोरी को घूरने लग जाता है, जैसे वो अघोरी को इशारा कर रहा हो कि उसे उसकी इन बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानता था, उसकी हर एक बात। अघोरी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बात को बदलते हुए कुछ हिचकिचाहट के साथ अनुराग से कहता है, अब काल स्वामी, मुझे नहीं पता था कि यक्षिणी की पसंदीदा चीज आपकी कमजोरी है, वो आपको कमजोर करता है, वरना मैं उस चीज को हवेली की दीवारों के चारों तरफ कभी नहीं लगाता काल स्वामी। अनुराग अभी भी खामोशी रहता है, कुछ नहीं कहता है। अघोरी फिर बोल पड़ता है, आप फिक्र मत करिए काल स्वामी, मैं उस हवेली को फिर से ऐसा बना दूंगा कि आप आसानी से उसमें घुस सकेंगे, आपको वहां पर घुसने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अनुराग अघोरी से कहता है, तुझे जो करना है वो कर अघोरी, पर कैसे भी करके अमावस्या आने से पहले तारा को यहाँ पर लेकर आ ग्रेवयार्ड कोठी में, तब तक मैं यहाँ पर सारी तैयारी करके रखता हूँ। अघोरी हड़बड़ाहट के साथ फिर अनुराग से पूछ पड़ता है, तैयारी पर किस चीज की काल स्वामी? अनुराग अघोरी को गुस्से से भरी अपनी आंखें दिखाते हुए कहता है, फिर सवाल अघोरी? अघोरी फिर माफी मांगते हुए कहता है, माफ करिए काल स्वामी, माफ करिए। और फिर बात को पलटते हुए तुरंत कहता है, आपको तारा चाहिए ना काल स्वामी, मैं उसे ले आऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको जिस चीज की तैयारी करनी है करिए, आप अमावस्या आने से पहले ही मैं तारा को आपके पास ले आऊंगा, उसे लिए बिना मैं यहाँ पर नहीं आने वाला, ये मेरा आपसे वादा है, एक सेवक का अपने स्वामी से। जैसे ही अघोरी ये बात बोलता है, रात ढल जाती है और सूरज धीरे धीरे निकलने लग जाता है। आसमान से अंधेरा तो छटता है पर काले बादल बिल्कुल भी नहीं छटते, वो बरसते रहते हैं। अनुराग अघोरी को उसका काम बता चुका था और वो बताने के साथ ही अनुराग वापस से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने लग जाता है। अनुराग वहां से जाते हुए अघोरी को घूरते हुए कहता है, याद रखना, अमावस्या से पहले तारा यहाँ पर होनी चाहिए ग्रेवयार्ड कोठी में। अघोरी अनुराग के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, जैसी आपकी आज्ञा काल स्वामी। अनुराग वापस से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर चले जाता है और उसके वहां से जाते ही अघोरी भी वहां से चले जाता है। अघोरी हवेली से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था, एक ऐसे घर के ऊपर जहां से उसे हवेली साफ साफ दिखाई दे रही थी। अघोरी बड़े ही गौर से हवेली को एकटक नजर से देखे जा रहा था। अघोरी ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा हुआ था, इस तरफ हवेली के अंदर अभी अभी तारा ने सबको अपनी शक्तियों से वो सपना दिखाया था जिसमें काला साया अनुराग के शरीर के अंदर घुसकर मरे हुए लोगों को कब्रों से निकालकर उन्हें जिंदा कर रहा था। सभी लोग तारा ने जो सपना दिखाया था उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी वहां पर भागते हुए बल्लू काका आ जाते हैं और युग को बाहर चलने के लिए कहते हैं काली बारिश दिखाने के लिए। जब युग बल्लू काका के साथ हवेली से बाहर निकलता है तब अघोरी की युग पर नजर पड़ती है। अघोरी युग को दूर से देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये तो युग है, वो बच्ची तारा कहाँ पर है जिसके लिए काल स्वामी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। एक एक करके हवेली से सभी लोग बाहर निकलने लग जाते हैं। अभी अभिमन्यु, डायना, कायर, कछुआ बाहर निकले ही थे कि तभी अघोरी की नजर यामिनी पर पड़ती है। जैसे ही अघोरी यामिनी को देखता है भौचक्का रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अघोरी हैरानी के साथ बार बार अपनी आंखें मलने लग जाता है, जैसे वो कोई सी ऐसी चीज देख रहा हो जिस पर यकीन कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो।
अघोरी हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो यक्षिणी है, पर यक्षिणी यहाँ पर कैसे हो सकती है, वो तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कैद थी। अघोरी यामिनी को बड़े ही गौर से देखते हुए कहता है, आंखें, बाल, बदन, चाल चलन सब वैसा ही है, हूबहू यक्षिणी की तरह, पर ये। अघोरी अपनी बात पूरी करता उससे पहले वर्चस्विनी भी तारा को लेकर हवेली से बाहर ले आती है। जैसे ही अघोरी की तारा पर नजर पड़ती है, उसका यामिनी पर से ध्यान हट जाता है। अघोरी तारा को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये है तारा जिसके लिए कालस्वामी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, पर कालस्वामी को इस छोटी सी बच्ची से ऐसा क्या काम है जिसके लिए उन्हें मुझे जिंदा करना पड़ गया और बाकी सब मरे हुए को भी कर रहे हैं। अघोरी वहीं पर खड़े रहकर तारा को बड़े गौर से नोटिस करते रहता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में युग काली बारिश में भीगने लग जाता है, जिस कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके दोस्त लोग उसे उठाकर अंदर ले जाने लग जाते हैं। जैसे सब लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं, अघोरी हवेली के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। अघोरी हवेली के बाहर खड़ा हुआ था और एकटक नजर से हवेली को देखे जा रहा था। अघोरी हवेली के पास जाकर उसकी दीवारों पर कुछ करने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मंत्र पढ़कर कुछ मिटा रहा हो। अचानक से तारा को सब चीजें धुंधली नजर आने लग जाती हैं। कुछ देर बाद जब सब चीजें क्लियर होती हैं, तो तारा देखती है कि अघोरी के चेहरे पर मुस्कान थी। अघोरी मुस्कुराते हुए हवेली को देखते हुए कहता है, अब काल स्वामी भी इस हवेली में आराम से घुस सकते हैं। ये खबर मैं काल स्वामी को बाद में दूंगा, जब मैं काल स्वामी के पास तारा को ले जाऊंगा, इससे वो मुझसे और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इतना कहकर अघोरी हवेली के अंदर घुस जाता है। अघोरी ने सोचा था कि वो तारा के अंदर डर पैदा करके उसे हवेली से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देगा, इसलिए उसने उसे डराना शुरू कर दिया। उसने तारा पर पहला हमला तब किया जब वो शाम को कछुए के साथ थी। अघोरी ने झूमर के कांच के टुकड़ों को अपनी शक्तियों से सांप में बदल दिया। वो तो उस वक्त तारा के साथ कछुआ था, जिस कारण तारा बच गई। कछुए ने तारा को बचा लिया। उस वक्त कछुए को लग रहा था कि ये सब काले साए ने किया, पर वो काला साया नहीं अघोरी था जो छुपकर उन पर वार कर रहा था। यही कारण था कि अंत में कांच के टुकड़े राख में बदल गए थे, जो कि एक संकेत था कि वो काला साया नहीं बल्कि अघोरी था जिसे कछुआ समझ नहीं पाया था। उसी रात अघोरी ने तारा पर दूसरा हमला भी किया जब वो वर्चस्विनी के साथ सो रही थी। उसने तारा के कमरे को कुत्ते के मुंह में बदल दिया था, पर तारा उससे भी बच निकली थी। तारा जिस तरह से बच निकली थी, अघोरी समझ गया था कि तारा कोई मामूली बच्ची नहीं है बल्कि दैवीय बच्ची है जिसके पास कई शक्तियां हैं। उसी वक्त अघोरी को तारा के बारे में भी सब पता चल गया था। वो जान गया था कि काले साए को तारा क्यों चाहिए थी। जब अघोरी को ये बात पता चली कि तारा स्वयं महादेव की शक्तियों का अंश है, तो वो घबरा गया था। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। उसने सोच लिया था कि वो तारा को छुएगा तक नहीं, पर उसने काले साए से वादा किया था कि वो किसी भी कीमत पर तारा को उसके पास लेकर आएगा, और वो अपने वादे के आगे मजबूर था, इसलिए वो वहां से नहीं गया। रात के वक्त ही एक तरफ हवेली में जब सब लोगों को ये लग रहा था कि काला साया हवेली के अंदर है और वो तारा पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अघोरी नया जाल बिछा रहा था तारा को हवेली से बाहर निकालने का। अघोरी इतना तो समझ गया था कि तारा बल से तो हवेली से बाहर कभी नहीं निकलने वाली, उसे तारा के साथ छल ही करना पड़ेगा। और अघोरी ने ममता से भरा छल ढूंढा। हवेली में उस सदस्य को ढूंढा जो सबसे कमजोर था, जिसके प्रति हवेली के सभी सदस्यों में ममता भरी थी, जिसके जरिए वो तारा को हवेली से बड़े आराम से बाहर ले जा सकता था। और वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि जानकी थी। भोर का वक्त था। दिलीप जानकी के कमरे में चेयर लगाकर उसके पास बैठा हुआ था। जानकी इस वक्त होश में नहीं थी, वो गहरी नींद में सो रही थी। जानकी की कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, इतनी खराब कि वो ठीक से बोल तक नहीं पा रही थी। वो इस वक्त जिंदा लाश के सिवा कुछ और नहीं थी, किसी से कुछ बात नहीं करती थी, बस बेड पर ही पड़ी रहती थी। आज बहुत दिनों बाद उसने अपनी आंखें बंद की थी और वो सो रही थी। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, बस जानकी के बेड के पास रखा नाइट लैम्प चल रहा था जिससे कुछ उजाला हो रहा था। दिलीप के हाथ में सेब था, वो धीरे धीरे सेब काटते हुए जानकी से बातें कर रहा था। जानकी भले ही सो रही थी, पर उसके लिए वो होश में ही थी। अक्सर जब इंसान किसी से हद से ज्यादा प्यार करता है, तो किसी के हमारे साथ होने या न होने से फर्क ही नहीं पड़ता, वो हमेशा हमारे पास ही रहता है और हम ख्यालों में ही उससे बातें करते रहते हैं, उससे सवाल पूछते रहते हैं। यही सच्चे प्यार की निशानी होती है, और दिलीप भी इस वक्त यही कर रहा था। वो ख्यालों में जानकी से बात कर रहा था। दिलीप सेब काटते हुए जानकी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए सेब काट दे रहा हूँ जानकी, जब तुम उठोगी तो इसे खा लेना, फल फ्रूट खाओगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी।
जानकी सोते रहती है, कुछ नहीं कहती है। उसको ऐसे खामोश देख दिलीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिलीप नम आंखों के साथ कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानकी, बहुत प्यार। तुम्हारे सिवा आखिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? एक हमारा बेटा था, उसे भी उस यक्षिणी ने हमसे दूर कर दिया। अब तुम भी मुझे छोड़कर मत चली जाना। यहाँ इस हवेली में कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं, एक से बढ़कर एक झूठे हैं। सब मुंह पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। जानकी अभी भी सोते रहती है, कुछ नहीं कहती है। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ जानकी, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ पर इन सब चीजों की परछाई भी नहीं पड़ेगी। जानकी से बातें करते हुए ही दिलीप को वो गलतियां याद आने लग जाती हैं जो उसने अपने अतीत में की थी। दिलीप अतीत की बातों को याद करते हुए खुद से कहता है, सब मेरी गलती है, काश उस रात में डरा हुआ नहीं होता और उस ब्लूप्रिंट की मदद से मैंने वो कमरा ढूंढ लिया होता तो शायद आज तुम, मैं और हमारा बेटा सब सुरक्षित होते। दिलीप एक लंबी आह भरते हुए जानकी का हाथ थामते हुए बड़े ही आहिस्ता से कहता है, तुम्हें पता है जानकी, वो जो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, उसमें एक ऐसा कमरा है जहाँ पर यक्षिणी की शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक